पीटी इतना मेहनत से पास किया बच्चा, वो मिस नहीं देगा कैसा लगेगा आप सोचो एक बार। हेलो एवरीवन, देखिए अभी जिन जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ भी गया है दरोगा का, उनको भी जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है उनके साथ एक समर्थन के रूप में खड़ा होना चाहिए। ये टाइम ऐसा नहीं है कि हमारा एडमिट कार्ड आ गया है तो हम एक स्वार्थी इंसान बन के साइड हो जाए, ये गलत बात है, क्योंकि आप ही के कोई ना कोई दोस्त जान पहचान के एक स्टूडेंट भी अगर छूट रहा है छोटे से एफर्ट नहीं करने के कारण आयोग का, तो ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। आप ठीक है, आपने जो भी आप नोटिफिकेशन में डाले हो कि ओटीपी पे आएगा, आज हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर का कटिंग आया है उसमें आयोग ने स्टूडेंट का मनोबल तोड़ने के लिए पूरा लंबा सा लेक्चर दिया है कि बिना ओटीपी का कुछ नहीं हो सकता, 95% लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी के अंदर एक संवेदनहीनता कैसी दिख रही है कि आपने उतना बड़ा चीज पेपर में निकालने की कोशिश की लेकिन आपने उसके अंदर एक सोल्यूशन नहीं दिया। आज स्टूडेंट जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो अब क्या एग्जाम देंगे ठीक से, वो एडमिट कार्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर आयोग को लगातार पोक किया जा रहा है, बट कोई मतलब कोई वो लोग रोड पे धूल फांक रहे हैं जो अभी रूम के अंदर बैठ के तैयारी कर रहे होते, और कोई कुछ नहीं, कॉल भी लगातार किया जा रहा है लेकिन एक ही रट, बड़ी पोलाइट वे में बात में भी एग्रेशन नहीं। स्टूडेंट अगर कोई गुस्सा भी हो जा रहा है तो आयोग वाले बड़े क्वाइट एकदम पीसफुल लगता है, कुछ हुआ ही नहीं, एकदम बड़े प्यार से रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बात वही घुमा घुमा के हमेशा बोलते हैं। आप सोचो कि जब 95% लोग एडमिट कार्ड जारी कर लिए, 95, जब अब आपके पास कितना 5% बच्चे बचे हैं ना, आप खुद ये बात कह रहे हो, तो 2,500 के आसपास होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं, तो 2,500 बच्चे का तो मैनुअल एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है 24 तारीख तक मैनुअली जारी कर दीजिए ना, कितना टाइम लगेगा आपको। आप सोचो कि एक बच्चा कितने दर्द में तैयारी करता है, उसका सपना है दरोगा बनना, डबल स्टार लगा ना उसके अंदर, वो जेन्यून कैंडिडेट होंगे जो रियल फाइट करेंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि एक भी बच्चा का अगर एडमिट कार्ड आपके छोटे से एफर्ट के कारण उनको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, वो अच्छे से एग्जाम देंगे। और ये मतलब ये क्या है, ये आयोग जब आपको पता है कि 95 का आपने निपटा दिया काम, 5% बच्चे बचे हैं, तो 5% बच्चे इसलिए कोई इस पर ध्यान नहीं देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। एडमिट कार्ड आपको रिलीज करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, कोई एक भी स्टूडेंट का चूक इसलिए नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अगर गलत स्टूडेंट हटाइए, सिर्फ सिम नहीं होने के कारण, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी हाईफाई हो गई, आधार कार्ड लो ना उनका, पैन कार्ड लीजिए, जो लेना लीजिए आप उसके प्रूफ के लिए, लेकिन एडमिट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके पास आपके डाटाबेस में एडमिट कार्ड है, प्रिंट आउट करके निकाल के दे दो, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाए आपके पास, सबमिट करें, आप उनको दीजिए निकाल के, कितना टाइम लगे? 2,500 एडमिट कार्ड, तो एक दिन में आप 2,500 एडमिट कार्ड को प्रिंट करके रख लोगे, लोग देते जाएंगे उनका एडमिट कार्ड, देते चले जाइएगा, क्या फर्क पड़ता है इतना इससे? नहीं तो पैसे ले लो ना, 50 रुपए 100 रुपए आपको जितने कमाने हैं स्टूडेंट से वो पैसे लेके कमा लो, आप एडमिट कार्ड निकाल के रखो, सीधे स्टूडेंट को दे देना, मत दो वेबसाइट पे, मत करो, सब आके आपसे लेके जाएगा। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, जो बच रहे हैं वो तो उसका डाटा तो आपके पास है ही है, सिंपल सा एडमिट कार्ड निकाल लेना है। स्टूडेंट्स जो भी जिनको भी नहीं आया है वो पूरे हिम्मत से रहिए, इनको एडमिट कार्ड रिलीज करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कोई, ये और एक भी स्टूडेंट नहीं छूटेगा, एडमिट कार्ड इनको रिलीज करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये दादागिरी कब तक चलेगी। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड आ भी गया है या जो इन फ्यूचर एग्जाम देने वाले, वो लोग भी सपोर्ट में बाहर आइए, ये गलत बात है, आप सपोर्ट में नहीं आ रहे, मैं देख रहा हूं उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 5% है तो है, एक भी बच्चा रहेगा उसको भी उसी तरह का गलत हो रहा है, तो फिर उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो हम लोग अपने स्तर से जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आप लोग भी जो भी लोग हैं स्टूडेंट हैं वो सब सपोर्ट कीजिए इसको, ये जरूरी है कि उनको उनके लिए एडमिट कार्ड, पीटी इतना मेहनत से पास किया बच्चा, वो मिस नहीं देगा कैसा लगेगा आप सोचो एक बार।